बंगाल की खाड़ी में असानी तूफान प्रचंड हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव हटाए गए। लीना कोसमी को मिली जिम्मेदारी। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, राज्य में जो विकास दिख रहा है वो सब भाजपा शासनकाल की देन है। और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर 100 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं। बड़े आंदोलन के लिए नवा रायपुर में जगह निर्धारित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवात असानी सघन होकर तेज चक्रवात में बदल गया है और उत्तरी आंध्र प्रदेश ओडिशा तटों की ओर बढ़ गया है। इसे देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात के असर से राज्यों में कल से तेज वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के विभिन्न भागों में वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। केरल में कुछ जगहों पर तेज हवाओं और गरज के साथ हो रही मूसलाधार वर्षा गुरुवार तक जारी रह सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में आसानी तूफान के कारण हवा की दिशा और गति दोनों बदल रही है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के हालात बने हैं। 10 मई को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हरि प्रसाद चंद्रा ने बताया कि तूफान की वजह से राज्य में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। इसकी वजह से उमस के बढ़ने की संभावना है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना ने आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बी पारदीवाला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति से पहले श्री धूलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जबकि श्री पारदीवाला गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी 34 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव को हटा दिया गया। उनकी जगह लीना कोसमी को सूरजपुर जिला पंचायत का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल देव को अब जांजगीर चांपा जिले में अपर कलेक्टर बनाया गया है। रविवार को प्रेमनगर विधानसभा में लगी चौपाल में कई लोगों ने जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शिकायत की जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने जांच होने तक जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाने को कहा था। इससे पहले सूरजपुर में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकांश अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। जहां गड़बड़ी हो रही है वहां सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही गौमूत्र की भी खरीदी शुरू करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सूरजपुर जिले के भटगांव में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग, शिक्षा, वन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की मुख्य रूप से समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री को बिहारपुर में छात्रों द्वारा पढ़ाई से जुड़ी अनियमितता के बारे में बताया गया था। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को वहां के शिक्षकों का तबादला करने और नए शिक्षक भेजने को कहा। साथ ही आदेश की अवमानना करने पर निलंबित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि जमीन से जुड़ी और कब्जे की शिकायतें भी मिल रही हैं, राजस्व अधिकारी इसे गंभीरता से लें।
भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि उनकी पार्टी विकास के मुद्दों पर अगला चुनाव लड़ेगी। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस शासनकाल में अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। राज्य में जो विकास दिख रहा है वो सब भाजपा शासनकाल की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। देखिए, भाजपा में कभी भी फेस को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम भाजपा के लिए लड़ते हैं। भाजपा का चिन्ह जो है उनको लेकर हम वही हमारा फेस है और उन्हीं को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ जैसे कांग्रेस धोखा देती है, एक जगह जाकर एक को सीएम मुख्यमंत्री घोषित करना, दूसरी जगह जाकर दूसरे को घोषित करना, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम विकास की पॉलिटिक्स करते हैं। तो हमारा चेहरा अगर कुछ है तो वो हमारा कमल पुष्प है और हमारा भाजपा है और हमारा विकास है, जो हमने 15 सालों में किया वही हमारा चेहरा होगा। गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने प्रदेश प्रवास के दौरान पिछले 2 दिनों में 5 संभाग के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 16 मई को भाजपा ने राज्य में बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। देश में अब तक 190,34,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13,50,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,410 लोग संक्रमण मुक्त हुए। इसी अवधि में 3,207 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में अब तक 4,04,07,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए, जिनमें रायपुर जिले में ही 6 मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 40 पहुंच गई है। राज्य के 16 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के अवसर पर कल भिलाई में गीतांजलि छत्तीसगढ़ के झरोके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीत वितान कला केंद्र द्वारा आयोजित नृत्य गीत और संगीत के इस कार्यक्रम में रविंद्र संगीत और छत्तीसगढ़ी लोक कला के करीब 250 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कलाकारों ने बांग्ला संस्कृति के साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखेरी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार से की गई। कार्यक्रम के संयोजक मिथुन दास ने बताया कि आयोजन का मकसद बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के संगीत और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना है। इस आयोजन का उद्देश्य है अमर बांग्ला और हमारे छत्तीसगढ़ के दोनों संस्कृति का एक मंच पर संगम, जिसमें 200 गायक गायिका रविंद्र संगीत के पूरे छत्तीसगढ़ से इस आयोजन में उपस्थित है एवं 50 लोक संगीत के गायक गायिका जो एक साथ लोक संगीत की एक मंच पर प्रस्तुति देंगे। सन 1918 में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर बिलासपुर आए थे और उनके आगमन के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में गीत वितान ने यह एक अनूठा आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति का यशोवर्धन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान कोलकाता से आए कलाकारों ने भी अपनी मोहक प्रस्तुतियों से अनोखा समा बांधा। लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देकर रायपुर जिला प्रशासन ने बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर बड़े प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अब केवल 100 की संख्या में ही प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकेंगे। यहां किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए भी प्रशासन से विधिवत अनुमति लेनी होगी। बड़े प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में पुराने राज्योत्सव के सामने मैदान को नया धरना स्थल निर्धारित किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने हर तरह के प्रदर्शन, रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजन से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के साथ आवेदन का प्रारूप भी था, जिसकी शर्तों के मुताबिक ही किसी आयोजन की अनुमति दी जानी है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसके लिए भाजपा ने 16 मई को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। थाईलैंड में खेली जा रही उबर कप प्रतियोगिता में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने कनाडा को 4-1 से हराते हुए जीत के साथ खाता खोला है। दुर्ग की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने सिंगल मुकाबले में कनाडा की खिलाड़ी को हरा दिया है। इस जीत से आकर्षि के क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आकर्षि कश्यप ने कनाडा की वेन यू झेंग से पहला गेम गंवाने के बाद 17-21, 21-18, 21-17 से 50 मिनट में मैच जीतकर भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई। वहीं ऊबर कप में भारत की पीवी सिंधु ने कनाडा की मिचेली ली को परास्त किया, लेकिन भारत की श्रुति मिश्रा और सिमरन सिंघी को डबल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने पहले ही जर्मनी को 5-0 से हराते हुए अपना आगाज कर लिया है। भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल अमेरिका की टीम से होगा। थाईलैंड में खेली जा रही उबर कप प्रतियोगिता में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम से काफ़ी उम्मीदें हैं। महिला विश्व कप चैंपियनशिप के रूप में मशहूर इस प्रतियोगिता में भारत को ग्रुप डी में रखा गया है। भारतीय महिला टीम ने साल 2014 और 2016 में टूर्नामेंट का कांस्य पदक जीता था। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिन्हें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ। वो उदार राजनेता और समाज सुधारक थे। गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के मार्गदर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गांधी जी गोखले को निपुण राजनेता मानते थे। 12 अक्टूबर 1896 को पुणे में गोखले के साथ पहली बैठक को याद करते हुए गांधी जी ने लिखा था, मैं गोखले से मिला, वो मुझे फर्ग्यूसन कॉलेज के मैदान में नजर आए। गोपाल कृष्ण गोखले ने प्यार से मेरा स्वागत किया। उनके बर्ताव ने फौरन मेरा हृदय जीत लिया। उनके साथ वो मेरी पहली बैठक थी, तब भी यूं लगा जैसे हम कोई पुराने मित्र हैं। सर फिरोज शाह तो मेरे लिए हिमालय के जैसे थे, लोकमान्य सागर की तरह थे, लेकिन गोखले तो गंगा की तरह थे। कोई भी उस ताजगी भरी गंगा में स्नान कर सकता था, हिमालय तो अलंघ्य था और सागर को कोई आसानी से लांघ नहीं सकता, लेकिन गंगा वो तो आपको गले लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नाव और चप्पू के संग गंगा में जाना बहुत आनंददायक है। गोखले ने बारीकी से मुझे परखा, जैसे जैसे विद्यालय का शिक्षक प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार को परखता है। उन्होंने मुझे बताया कि किससे मिलना है और उनसे कैसे मिलना है। उन्होंने मुझे भाषण देने को कहा और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं उल्लास के साथ विदा हुआ। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में गोखले ने जिंदगी भर मेरे हृदय में जो स्थान बनाया वो आज भी है और अत्यंत विशिष्ट है। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान प्रचंड हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव हटाए गए। लीना कोसमी को मिली जिम्मेदारी। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा, राज्य में जो विकास दिख रहा है वो सब भाजपा शासनकाल की देन है। और रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर 100 से ज्यादा लोगों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं, बड़े आंदोलन के लिए नवा रायपुर में जगह निर्धारित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।